सर जो अपने 42 सैनिक शहीद हुए उनके ऊपर क्या बताओ? बहुत ही कायरतापूर्ण बर्बरता, जिस बर्बरता के साथ पाकिस्तान ने पीठ के पीछे छुरी घूमती है, भारत में नहीं पूरे विश्व में पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत की थू थू की जा रही है। और सभी तरफ आतंकवाद के खिलाफ यही आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान दो मुही तलवार है, एक तरफ तो शांति वार्ता की बात का राग लापता है और दूसरी तरफ पीठ के पीछे छुरी घूमता है। और 42 उन शहीद हुतात्माओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन आत्माओं की शांति हो, उनके परिवार को सांत्वना भी देता हूँ और भारत सरकार को मैं आज सभी लोग यही आस लगाए हुए हैं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं, आज वो समय आ गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आप पाकिस्तान का नाम हिंदुस्तान के विश्व के मानचित्र के नक्शे पे पाकिस्तान नाम का नाम नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसी सभी लोग आस लगाए बैठे हैं। और जो ये कार्य हुआ है, पीठ के पीछे छुरी घोंपी गई है, हमारे नौजवान, हमारे माताओं के लाल, हमारी बहनों के संदूर, छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की वेट कर रहे थे कि हमारे घरों में पापा लौटने वाले हैं, लेकिन जिस ढंग से, जघन्य ढंग से उनकी हत्या की गई है, वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य हुआ है। और जल्दी ही आतंकवादियों को मुंह तोड़ इसका जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब मिलना भी चाहिए। तो क्या नाम है आपका? क्या डॉक्टर गुलशन कोत्रा, उप प्रधान नगर पालिका शाहबाद मार्केट। ये जो 42 जवान शहीद हुए अपने, मैं इनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि देती हूँ और इनके परिवार को एक श्रद्धा भावना से उनकी मन की बात को समझते हुए, उनकी फैमिली की बात को समझते हुए, मैं उनको तहे दिल से अपने और पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से सत सत श्रद्धांजलि देती हूँ। और जो मेरे भाई घायल फौजी हुए हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी ठीक होने भगवान से अपील करती हूँ, जल्दी जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर परिवार में अपनी ड्यूटी पे अपनी तैनात हों, और ये मैं कामना करती हूँ। क्या नाम है, क्या पता है? रेखा रानी, महिला कांग्रेस वाइस प्रधान।